झीलों के शहर उदयपुर में इस वक्त तनाव बढ़ा हुआ है। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। शुक्रवार को जो हिंसा वहां पर हुई थी, उस हिंसा में जो छात्र देवराज घायल हुआ था, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। छात्र की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके में जबरदस्त तनाव इस वक्त बना हुआ है। शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र देवराज पर उसी क्लास के छात्र अयान ने चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने आगजनी और पथराव किया। इतना ही नहीं, घटना में शामिल अयान शेख और उसके माता और उसके पिता सलीम शेख के दीवानशाह अली कॉलोनी स्थित मकान पर नगर निगम के दस्ते ने बुलडोजर भी चलाया था। उधर देवराज का इलाज चल रहा था, मगर अब खबर ये आ रही है कि उसकी मौत हो गई है। आप देखिए उदयपुर चाकूबाजी इस मामले में फिलहाल हालात किस तरह से बने हुए थे। जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आई, लेकिन इलाज के दौरान घायल छात्र देवराज की मौत की खबर सामने आ रही है। देव अंकुर बधावन इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। देव अंकुर, बेहद दुखद ये मामला, देवराज की जान चली गई है, इलाके में तनाव बना हुआ है, और इस बाबत क्या जानकारी देंगे आप? उनकी किडनी में कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, वो डायलिसिस पर रखे गए थे, पर उसके बावजूद तमाम जो कोशिशें की गई प्रशासन के द्वारा, जो अस्पताल में जहां पर वो महाराणा भोपाल अस्पताल में उदयपुर में लगभग 3 दिन तक भर्ती रहे, पर तमाम कोशिश के बावजूद देवराज को बचाया नहीं जा चुका है, जा सका है। उदयपुर में इस समय जो माहौल है बेहद तनाव है, इंटरनेट पर बैन लगा हुआ है, ज्यादा संख्या में लोग होने पर पाबंदी लगा दी गई है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं तमाम प्रशासन के आला अधिकारी कोशिश की है, जो अलग अलग संगठन है, जो अलग अलग लोग हैं, जो अथॉरिटीज है, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उससे बात की जाए ताकि किसी भी तरह से कोई भी माहौल जो है बिगाड़ ना पाए। कोशिश ये है कि माहौल उत्पन्न ना होने दिया जाए। जब ये दो लड़कों की लड़ाई हुई थी, 10वीं क्लास के दोनों छात्र थे, कहा यह जा रहा था कि देवराज और दूसरा लड़का जो है अयान शेख, जिसने चाकू घोंपा देवराज के कथित तौर पर, वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और उनकी काफी समय से आपस में कहासुनी बहसबाजी वजह क्या रही थी इस चाकूबाजी की, वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन देवराज की मौत के बाद इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए देवंकुर, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।